गाइस कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं और मैं मुज़फ्फर बात। और भाई देखने जा रहे हैं लाइव परफॉर्मेंस इन आईपीएल फाइनल 2023। भाई तो भाई नाइट शो है जो कि मतलब लास्ट जब फाइनल होने से पहले का शो, भाई बहुत मजेदार करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। ओए होए कितनी दुनिया, मिड शॉट, ओ माय, अपने बच्चों को संभालिए, मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स। बहुत बड़ा स्टेडियम, लाइटिंग देखो कितनी हो रही है, मेलो लाइट है, वही ना मोबाइल की लाइटिंग। ओ माय बिल्ली, क्योंकि अब आप जो देखने वाले हैं और स्पेक्टिकल आईपीएल बिग शो शुरू होने वाला है कुछ ही क्षण में। कुछ नहीं
These 2 months of pretty long for the fans has been the highest. Let's start something new. Way better. कोई चीज चल रही है जो के वो देख वाकई भाई बैठा दूर है वहाँ के जो बेस्ट है ना मजे वही ले रहे हैं
हनी सिंह तो नहीं काफी मस्त थे हनी सिंह थे क्योंकि भाई देख रहे ये उनकी आवाज थी और वही मुझे तो लग रहा है बाकी शायद दूर से भाई जजमेंट किया लेकिन कंफर्म नहीं कंफर्म लेकिन वही थे यार उनके सामने लेकिन ऊपर से भाई देख ले जो लाइटिंग है ऊपर से यार लोग बहुत ज्यादा ऐसे ग्राउंड में कौन सा छोटा है हां भाई स्टेडियम भी बहुत बड़ा है नरेंद्र मोदी भाई लोगों ने बना दिया इसको नया बना है और सरमनी अच्छी हुई है कि भाई इफ्तिताह जैसे भाई इफ्तिताह वैसे पहले भी मैच हो चुके हैं लेकिन जो आज का एक खास मैच था फाइनल था फाइनल हुआ भी कमाल का है कमाल का हां फाइनल भाई एक जो आप बोलते हैं ना कि हिस्ट्री में नाम लिखा जाता है फाइनल का वो आईपीएल का हुआ है मतलब कि एक ना धोनी की एक हाथ से निकलते मैच बीच नहीं भाई निकल गया तो हाथ से इतने स्कोर बनते ही नहीं है यार यकीन करे फर्स्ट उसने जो ओवर कराया ना मतलब के लास्ट अटैक तो उसने बहुत ही मतलब के भरपूर किया भाई तीन बालों पर भाई 11 के 12 रन रहते थे तो अखीर पर भाई वो एक जिन्हें भाई छक्का चाड़ा ऊपर से एक भाई टोरेंट पर चौका भाई मैच भाई हारता एक जीत गए चेन्नई सुपर लीग नहीं दो बालों पे 10 स्कोर नहीं रहते हाँ फिर एक चौका और छक्का एक चौका एक छक्का एक भाई छक्का पहले लगा हाँ पहले छक्के ही लगा था लेकिन ये कि भाई लोगों के जज्बात देखें यकीन करो जैसे छक्का चौका लगा था ना लास्ट पे
मैंने देखा है लोग स्टेडियम के बाहर भी भाग रहे हैं यार, खुशी जोश यार, देखो जोश। बाकी यकीन करें जब मैंने देखा था ना एकदम से मुझे भी जोश आया कि तुझे भी आया था। हाँ मैच इतना जबरदस्त था यार, लोग स्टेडियम में रोने लग पड़े थे यकीन करें, ऐसे जैसे बंदा पागल नहीं हो जाता ऐसा के जज्बात होते हैं। और टीम भी ऊपर से, टीम भी ऊपर से धोनी की थी भाई, लेकिन भाई क्या बंदा, क्या कैप्टन है उसने, एक जरा सा भी प्रेशर नहीं लिया। हाँ। ऐसे भाई जैसे पुष्पा नहीं बैठा होता यकीन करे, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं यकीन करे, एक कॉन्फिडेंस से मतलब के धोनी बैठा था कि कोई हारे या जीते, मतलब के एक होता है ना बंदा है कितना एक प्रेशराइज हो जाता है। हाँ भाई लास्ट है, फाइनल है तो काफी ज्यादा ऐसे कॉन्फिडेंस से बैठा हुआ था यकीन। मुझे तो लगता है जनेजा ने जब धोनी को देखा था ना तब अंदर जज्बा आया और मैच विनर करा दिया। लेकिन भाई लोगों के भी काफी जज्बात है, बहुत एक्साइटेड भी रहते हैं, कोई छोटा इवेंट नहीं है ये, होते हैं ऐसे इवेंट हैं। सुंदर पिचाई साहब ने भी की हुई थी ट्वीट, उनकी देखी है, उन्होंने भी बोला था कि नेक्स्ट सही भाई जो आ रहे थे उनको ये चीज है, क्योंकि यार मजा आ गया होती है भाई, क्यों मजा आना था भाई आकर, फाइनल ही इतना भाई अच्छा हुआ था ये चीज, और ऊपर से लोगों ने आकर भाई जो ग्राउंड फुल किया वो एक अलग है भाई। लाइटिंग चेक करे कि जो मोबाइलों की लाइटिंग थी, दूसरों की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, इतनी ज्यादा लाइटिंग थी, और लास्ट वाला जो भाई सीन बना बहुत जुनून है लोगों के अंदर, हट के था भाई, मजा आया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह।